रिन्यूएबल एनर्जी जीआरई और बायो एनर्जी जर्मनी ने नेपियर घास जैसे कई फीडस्टॉक्स का उपयोग करके भारत में 100 बायो सीएनजी संयंत्र विकसित करने के लिए एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्लांट एपीएसएस आदर्श बायो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड भारत का पहला नेपियर घास संयंत्र होगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में ग्रुनर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ उत्कर्ष गुप्ता इनके द्वारा दी गई। जीआरई नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम, आज बायो एनर्जी जर्मनी के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग की घोषणा करते हुए बेहद खुश और उत्साहित है, जो दुनिया भर में बायोगैस संयंत्र में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है, जिसकी उपस्थिति 12 से अधिक देशों और 300 से अधिक इकाइयों में है। दोनों कंपनियां मिलकर शाम में पहले नेपियर ग्रास बायो सीएनजी संयंत्र की स्थापना के साथ भारत के ऊर्जा परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए तैयार है। इंडिया में करीब 5 से 7 हज़ार लोग तैयार हैं नेपियर ग्रास का प्लांट लगाने के लिए, बट सबको ये है कि कौन पहले लगाएगा। तो वहाँ पे ग्रुनर पहली कंपनी है जो नेपियर ग्रास का प्लांट लगा रही है, थैंक्स टू आर हमारे जो क्लाइंट है मिस्टर चलथूल, जिन्होंने पे भरोसा दिखाया और हमें मौका दिया ये प्लांट सेटअप करने के लिए। आज जितने भी लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे आए हैं, वो सारे के सारे नेपियर ग्रास के लिए ही आए हैं। आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हमें फॉलो कर रही हैं, हमसे डिस्कस कर रही हैं, जबकि हमारी कंपनी को सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। उसके बाद भी लोगों का बहुत सारा भरोसा हमें मिल रहा है और उस भरोसे को हम कायम रखना चाहते हैं एज अ कंपनी। अब रही बात हमारा इसका सेलिंग की, तो हमारा सिंपल मॉडल है, हम लोग गैस प्लांट लगाते हैं पहले बायोगैस का, फिर उस प्लांट के थ्रू जो गैस जनरेट होती है उसको हम खरीदते हैं। उस गैस को खरीद के हम 75 to 80 किलोमीटर्स के रेडियस में एक पंप लगाते हैं, जहाँ पे एक दूसरा कस्टमर क्लाइंट होते हैं, जो हम फुल डोडो मॉडल पे एक पंप लगाते हैं जहाँ पे, और उस पंप से हम उस गैस को सेल करते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा मॉडल है, बट इससे हमें ये बहुत भरोसा है कि जो गवर्नमेंट बहुत सालों से चाह रही है कि छोटे से छोटे शहरों में गाँव में भी सीएनजी पहुँचे, और जो लोग आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, वो उससे लोगों को मुक्ति मिले, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया का कि जो इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट, करीब 20 लाख करोड़ का इम्पोर्ट ऑयल एंड गैस का है। अत्याधुनिक नेपियर ग्रास बायो सीएनजी प्लांट नवंबर 2023 में पूरा होने वाला है और महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सनपुर गाँव में चालू किया जाएगा। एक बार चालू होने के बाद संयंत्र भारत के स्वच्छ और हरित ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जीआरई और बायो एनर्जी जर्मनी के बीच साझेदारी ऐतिहासिक है, क्योंकि यह इतिहास में पहली बार है कि यो एनर्जी जर्मनी ने नेपियर ग्रास की क्षमता को उपयोग करके बायो एनर्जी संयंत्र विकसित करने के लिए किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।